घर की छत पर भूलकर भी ना रखें ये 7 चीजें, बन सकती हैं विनाश का कारण। दोस्तों, हमारे घर में रखी हर एक चीज वास्तु के अनुसार हो तो उसका महत्व तो बढ़ ही जाता है और घर में सुख शांति भी कायम होती है। ऐसा माना जाता है कि सही जगह पर और सही तरीके से रखी चीजें घर में सौहार्द लाने के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आमंत्रित करती हैं। इसलिए अक्सर लोग किसी भी नई वस्तु को रखने के लिए या फिर पुरानी वस्तुओं को घर से बाहर करने के लिए वास्तुशास्त्र की मदद लेते हैं। ऐसे ही वास्तु से जुड़े सवालों में एक सवाल यह भी है कि आपको अपने घर की छत पर क्या चीज़ें रखनी चाहिए और किन चीज़ों को भूलकर भी घर की छत में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं आपको घर की छत में भूलकर भी ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। नंबर 1, मटके या टूटे गमले। अक्सर लोग घर की छत पर टूटे हुए मटके या टूटे फूटे गमले रख देते हैं। टूटे हुए गमलों के लिए सबसे अच्छा स्थान लोगों को घर की छत ही नज़र आती है, क्योंकि यहाँ बाहर वालों की ज़्यादा नज़र नहीं जाती है। इसलिए वास्तु की माने तो मटके और टूटे फूटे गमले घर की समृद्धि के लिए अशुभ माने जाते हैं। इसके बदले आप घर की छत में पौधों के गमले लगा सकते हैं जो आपकी छत की सुंदरता बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। नंबर 2, घर की छत पर ना रखें कबाड़। घर की छत का संबंध केतु से होता है, इसलिए छत पर कबाड़ रखना यानी राहु को आमंत्रित करना होता है। ऐसे में यह मस्तिष्क पर हावी रहेगा और कोई भी काम आसानी से नहीं बनने देगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। इसलिए घर की छत पर कभी भी किसी भी प्रकार का कबाड़ ना रखें, इससे पितृ दोष भी लगता है। सप्ताह में कम से कम एक बार छत को झाड़ू से साफ करें या सप्ताह में एक बार इसे पानी से धो लें। घर की छत पर 2-3 कुर्सियां रखें एवं कभी कभी यहां जरूर बैठें। ऐसा करने से आपको मानसिक मजबूती मिलेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी, या यूं कहें कि जो कृपा अटकी हुई थी वो भी आने लगेगी। नंबर 3, सूखे हुए पत्ते। यदि आपके घर के आसपास बड़े पेड़ हैं और उसके सूखे पत्ते घर की छत में इकट्ठे होते हैं तो उस पर पत्ते एकत्रित ना होने दें, बल्कि उन्हें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर की छत में सूखे हुए पत्ते घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और मानसिक अशांति का कारण भी बनते हैं। इसलिए यदि आप घर को साफ और लोगों को सुखी रखना चाहते हैं तो घर की छत में ऐसे पत्ते इकट्ठे ना होने दें। नंबर 4, घर की छत पर ना रखें झाड़ू। अगर आप अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू पुराना होने पर घर की छत में रख देते हैं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर की छत में रखने से या घर के विनाश का कारण बन सकता है। झाड़ू को किसी ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन घर की छत में रखा हुआ झाड़ू पर सभी की नज़र पड़ती है, जो आपके घर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 5, जंग लगा हुआ सामान। कभी भी जंग लगा हुआ लोहे का कोई सामान घर की छत पर ना रखें। कुछ लोग जंग लगा हुआ ग्रिल, औजार, तार आदि अपनी छत पर रख देते हैं जो सही नहीं है। ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई भी सामान है जिसमें जंग लगा हुआ हो तो उसे तुरंत घर से दूर हटा दें। जंग लगा हुआ सामान घर में अशांति का कारण बनता है। नंबर 6, घर की छत पर ना रखें बांस। कई लोग घर में बांस या बलिया रखते हैं और उसके लिए सबसे उचित स्थान उन्हें घर की छत ही दिखाई देती है। यदि आपके घर में ऐसी कोई भी सामग्री है जिसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है तो आप उसे तुरंत घर की छत से दूर हटा दें। घर की छत पर बांस रखना अशुभ माना जाता है, इससे पितृ दोष लगता है और मानसिक अशांति होती है। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष भी लगता है। नंबर 7, कांटेदार एवं बोनसाई पौधे।
लोग अक्सर घर की छत को सजाने के लिए इसमें कई तरह के पौधे लगाते हैं। इन पौधों में बोनसाई पौधे भी शामिल होते हैं और ऐसे पौधे भी जिनमें कांटे होते हैं वो भी सजावट के लिए लगाते हैं। लेकिन घर की शांति के लिए कांटेदार और बोनसाई पौधे छत पर भूलकर भी ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के पौधे व्यक्ति के विकास में अवरोध पैदा करते हैं, अतः इन्हें घर की छत में लगाने से बचना चाहिए। यहाँ बताई गई चीज़ों को घर की छत में रखने से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। नमस्कार।